Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हत्याकांड के बाद परिजनों द्वारा लगातार सीबीआई जांच की मांग। कहा जा रहा है कि अभी और भी हो सकती है हत्या। बीते शुक्रवार की शाम सरसी थाना क्षेत्र के सरसी बाजार में पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह उर्फ पिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस घटना में नामजद किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक रिंटू सिंह की पत्नी सह धमधा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 की जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह के आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें दो नामजद व कुछ अज्ञात अपराधियों के संलिप्त होने की बात कही गई है। साथ ही हत्या की साजिश रचने का आरोप बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह पर लगाया गया है। लगातार परिजनों द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। परिजनों का कहना है कि हमें सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक साल पहले मेरे ही परिवार के बेनी सिंह की हत्या की गई थी, जिसका नामजद अभियुक्त अभी तक खुलेआम घूम रहा था। परिजनों ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री के इशारे पर उसके भतीजा आशीष सिंह उर्फाठिया द्वारा रिंटू सिंह की हत्या की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी और भी हत्या हो सकती है। आप भी देखिए कि मृतक रिंटू सिंह के परिजनों ने क्या कुछ कहा। पिछले वर्ष 7 नवंबर को बूथ पे घटना घटी थी, लेसी सिंह के विरोध में जो प्रचार किया उसका बूथ पे ही हत्या हो गया, और उस केस में रिंटू सिंह गवाह था। दबाव बनाते बनाते, धमकी देते देते हमको भी मिल रहा है, उसको भी मिल रहा था। संजोग है कि पहले वो मारा गया, अब हम मारे जाएंगे, और क्या होगा। खुलेआम बैठ के मंत्री लेसी सिंह हत्या करवा रही है, और अपने घर के लोगों के द्वारा। और जब मीडिया पूछती है तो बोलती है नहीं, मेरा वो कोई नहीं है, मेरा इस हत्या में कोई संबंध नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है। आपके कहने या न कहने से जनता नहीं मानने वाली है। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, इस घटना का, रिंटू सिंह हत्याकांड का सीबीआई जांच होना चाहिए। आप रिंटू सिंह के कौन हुए? रिंटू सिंह का हम दोस्त हुए, रिश्तेदार हुए, ग्रामीण हुए, जनता हुए, वो मेरे नेता थे, और कौन होंगे। आपके भाई का जो हत्या हुआ था, जरूरी है कि कोई होंगे ही तो आवाज उठाएंगे, बिना होते हुए आवाज नहीं उठा सकते हैं। आपके भाई का जो हत्या हुआ था, उसका जो अभियुक्त था, वही अभियुक्त इसमें भी इन्वॉल्व है। मेरे भाई का हत्या लेसी सिंह करवाई थी, और रिंटू सिंह का हत्या भी लेसी सिंह करवाई है, उसमें भी वही मारने वाला था, और इसमें भी वही मारने वाला है अभियोग। एक साल से हम सब जगह प्रशासन से गुहार लगाते रहे, ना तो अभी तक कुर्की हुई है, ना तो कोर्ट से वारंट लिया गया है हत्या के केस में, क्योंकि सरकार उनकी है। लेसी सिंह नामजद अभियुक्त है, जब्ती सूची में लेसी सिंह का पंपलेट बेनी सिंह हत्याकांड में जब्ती सूची जो हुआ, स्पॉट पे जो गाड़ी पकड़ाया उसमें लेसी सिंह के भैसूर के नाम से गाड़ी था, उस गाड़ी में और जो गाड़ी पकड़ाया, 4 बाइक, सब में लेसी सिंह का पंपलेट निकला। अभी तक क्या एक्शन हुआ है? किसी तरह का एक्शन नहीं। बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच का, बिहार सरकार क्या बोलेगी? उम्मीद नहीं। बकरी चुरा के लाने वाला और लेसी सिंह बना के खिलाने वाली महिला आज बिहार सरकार मंत्री बना दिया है उसको, तो इसमें क्या बोले हम? जो सब दिन चोरी का खाया है, मंत्री बन गई है तो आज डकैती करके खा रही है, बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। साल भर पहले भतीजा भी तो बकरी ही, रोज बकरी चुराता है, खाता है उसका भतीजा। पहले भी हम सीबीआई जांच की मांग कर चुके थे मेरी घटना में, लेकिन नहीं मिली, और दोबारा पता नहीं क्या हुआ। आरोप लग रहा है, आरोप परिजन के द्वारा और भी लोगों के द्वारा आरोप लेसी सिंह पे लग रही है, तो क्या करना चाहेंगे? आरोप क्या लगेगा, जो सच्चाई है वो बयान कर रहे हैं। आज पूर्व सांसद और जाप के पार्टी अध्यक्ष आपके यहाँ आए हुए थे, उसने भी बात को रखी, उसको लेकर आपको क्या कहते हैं? परिजन है तो क्या संतुष्ट हैं, और उनकी जो मांग है वो आपकी मांग है? और हाँ, जो उनकी मांग है हम उनकी बातों से सहमत संतुष्ट, और जो उनकी मांग है वही मेरी मांग। क्या मंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच हो सकता है, ऐसा क्या आपको लगता है परिवार में? मैं
मैडम के खिलाफ कुछ नहीं होगा ये भी पता है, लेकिन हम लोग सरकार से क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मांग करेंगे और मांग कर रहे हैं। आपके पति का भी पूर्व सांसद ने चर्चा किया है कि उनके साथ जो हथियार दिया गया था वो भी जांच पे आना चाहिए, अभी तक जांच नहीं हुआ, पुलिस ही अभियुक्त है, उस पर आप लोगों का क्या पक्ष है? जो संसद का है उसमें हम लोगों ने सीबीआई जांच की, उसमें भी मांग की, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। मेरे पति के पास तो एक छोटा सा हथियार नहीं था, एक 47 तो बहुत बड़ी बात है, उनको सब मीडिया वाले जान रहे हैं, प्रशासन जान रही है कि उस बात में सारी बातें झूठी हैं, उनको राजनीति के तहत फंसाया गया। और धमधा विधानसभा से कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है सरसी का कि हम विधानसभा लड़ेंगे तो उसके साथ राजनीति किया जाता है, उनको मरवा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। बिट्टू सिंह को फंसाया गया, उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की, भगवान के पास अगर वो बच गए तो उसके भाई को मार दिया गया। और आज रिंटू सिंह अगर वो उसी चीज़ को रिंटू सिंह बोला तो सरेआम थाना के आगे उसको मार दिया गया। अभी परिवार का एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच हो। क्या परिचय है आपका? सरुप्रिया सिंह, बिट्टू सिंह की वाइफ। बिट्टू सिंह की वाइफ। सीबीआई जांच चाहिए, अठिया को सजा चाहिए, जयसिंह सिंह गिरफ्तार हो जाए जल्द से जल्द, जितना अच्छा कि वो बहुत चीज अभी लगाएगी उसमें, मिर्ची तो लगाना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बचना उनको अच्छे तरीके से आता है, तो वो गिरफ्तार होगी तभी एक कार्रवाई स्टार्ट होगी, वो तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। पता चला है एक दो दिन में वो अपने भतीजे को गिरफ्तार करवाएगी, लेकिन हम उनसे भी खुश नहीं होंगे जब तक लेसी सिंह गिरफ्तार नहीं होगी। अच्छा, आपका लेसी सिंह से क्या संबंध है? हम उनकी ननद लगेंगे। कैसी ननद लगेंगे? मतलब एक दादा के हम लोग हुए, एक दादा के बुट्टन सिंह। क्या आप लोगों का पहले से भी कोई कोई नहीं है? इसीलिए तो बोले सीबीआई जांच करवाइए और पता कीजिए क्या क्या है, क्या क्या यह पूरा परिवार चुनाव से लेकर के अभी तक सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर। हम डेढ़ साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, अपने ससुराल में डेढ़ साल से हम नहीं रह रहे थे, हम बाहर रह रहे थे, इलेक्शन के हम समय में हम आए यहाँ पे, डेढ़ महीना रहे, इलेक्शन 20 तारीख को खत्म हुआ, हम 21 तारीख को फिर अपना पूर्णिया चले गए, पूर्णिया में इनका पैर टूट गया, इसी वजह से हम इनको चंदवा छोड़ दिए, क्योंकि हमको खबर आ रहा था, हमको धमका रहे थे कि सरसी नहीं आने देंगे, सरसी नहीं घुसना है तो मर्डर हो जाएगा। इनका कहना है कि अभी और भी हत्या हो सकती है, अब गिरफ्तारी तो अलग है, चीजें जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इन्वॉल्व। पति को विश्वास था कि थाना में आगे में ना हम कोई किसी का मर्डर नहीं करता है, बस वही हुआ, थाना के आगे में ही उनका मर्डर हुआ। चले, विधायक के लिए लोकप्रियता इसका बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, इस कारण भी है विधायक के लिए ये लोग।